अस्सलाम वालेकुम। अभी तक हम वेब एपीआई के अंदर टोकन के साथ दो चीज़ें देख चुके हैं कि एक आपने टोकन जनरेट कैसे करना है, और सेकंड अगर आप किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जैसे पोस्टमैन है उसमें आप उस टोकन को यूटिलाइज करके कैसे एपीआई के फंक्शन कॉल करेंगे। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं और देखते हैं कि किसी तरह आप अपनी किसी एक एक्सटर्नल वेबसाइट कोई हो उसके अंदर से ये एपीआई कैसे कंज्यूम करेंगे जो टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन या ऑथराइजेशन अलाउ करती है। दो तरह के केसेस हो सकते हैं, पहला केस हम अभी देखेंगे और सेकंड केस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पहला केस ये है कि आपकी वेबसाइट जो है उस पर यूज़र जो हैं आपकी अपनी एप्लीकेशन है जो कि आपकी अपनी एपीआई को कंज्यूम कर रही है, और यूज़र आपकी एप्लीकेशन अपनी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं किसी लॉगिन और पासवर्ड के ज़रिए। सो फिर तो जो आपने टोकन जनरेशन का मैकेनिज्म रखना है उसके अंदर आप इन्हीं यूज़र नेम और पासवर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब वो यूज़र स्क्रीन पर आएगा अपना लॉगिन पासवर्ड एंटर करेगा आप उस लॉगिन पासवर्ड को इस्तेमाल करें, और बैकएंड पे जाके आपकी वेब एपीआई आपको उसके अगेंस्ट वेरीफिकेशन ऑथेंटिकेशन करके डेटाबेस से जहाँ से भी आपको एक टोकन जनरेट कर देगी, और आप उस टोकन को क्लाइंट एंड पे ला के रख के कहीं पे इस्तेमाल कर लेंगे। दूसरा केस ये हो सकता है कि आपकी एपीआई जो है वो वेबसाइट पे इस तरह डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं हो रही बल्कि इसके क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट से मुराद है कोई और वेबसाइट है, कोई और आपके पास मोबाइल ऐप है जो इस्तेमाल करना चाह रही है। तो उस केस में भी अगेन आपके पास कोई बैकएंड पे यूज़र पड़े होने चाहिए, और वो एप्लीकेशन आपको किसी तरह से आपका फंक्शन कॉल करेगी टोकन वाला और आपको क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड करेगी, आप उस क्रेडेंशियल्स को इस्तेमाल करते हुए टोकन रिटर्न कर देंगे, और फिर वो टोकन को कैसे इस्तेमाल करेगी वो सेकेंड स्टोरी है, उसको हम नेक्स्ट में देखेंगे। तो अभी हम पहले वाला केस देखने लगे हैं जिसके अंदर आपकी वेबसाइट में लॉगिन स्क्रीन है और आप उसी लॉगिन स्क्रीन के यूज़र और पासवर्ड को इस्तेमाल करना चाहते हैं टोकन जनरेशन के लिए। तो हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पर इस एप्लीकेशन में अपने पास एक नई वेबसाइट क्रिएट करते हैं, इस दफ़ा हम एमवीसी की वेबसाइट क्रिएट करने के बजाय, ऑल्दो एमवीसी में भी 100% काम सेम होगा लेकिन बड़ी सिंपल एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर ज़्यादा आसान करने की कोशिश करते हैं बात को। तो मैं यहाँ पर इसको चूज़ कर लेता हूँ अपने पास, सोल्यूशन राइट क्लिक करके ऐड करता हूँ, और यहाँ से वेबसाइट न्यू वेबसाइट ऐड कर लेता हूँ इसके अंदर। वेबसाइट सिंपल होती है, सिंपलर होती है। आप यहाँ पे वेबसाइट चूज़ कर लेंगे, वेबसाइट चूज़ करने के बाद आप यहाँ पे अपना पाथ सेट कर लें जहाँ वेबसाइट आपने रखनी है, और अभी हम एम्प्टी वेबसाइट करेंगे ताकि कोई कन्फ्यूजन हमारे पास ना हो। सो हम यहाँ पर अपना पाथ सेट कर लेते हैं ये वाला ही, और वेबसाइट को हम नाम दे देते हैं एक, ठीक है जी, हम कहते हैं ओ ऑथ टेस्टर, ठीक है जी, ये हमारी वेबसाइट है जो हम बनाने जा रहे हैं। ओके करते हैं, एक वेबसाइट बन गया, कुछ भी इसके अंदर नहीं है, कोई फोल्डर नहीं है, कोई जावास्क्रिप्ट नहीं है, कोई एचटीएमएल नहीं है। आप इसको नॉर्मल समझें कि ये पीएचपी का फोल्डर है या पाइथन का एक फोल्डर जिसके अंदर आप काम कर रहे हैं। अब इसके अंदर हम एक फाइल क्रिएट करेंगे लॉगिन की, और एक फाइल क्रिएट करेंगे होम की। लॉगिन के थ्रू आप कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, आप अजेक्स कॉल करेंगे, और आप इस ओ ऑथ की एपीआई को हिट करेंगे। ये एपीआई वेरीफाई करने के बाद आपको टोकन रिटर्न करेगी, और आप उस टोकन को क्लाइंट साइड पे जावास्क्रिप्ट में कहीं होल्ड करके और फिर आप होम पे रिडायरेक्ट कर जाएंगे जैसे आप नॉर्मल करते हैं। उस केस में आप सर्वर साइड पर सेशन को इस्तेमाल करते हैं, इस केस में ये टोकन ही आपकी वो आपको प्रोवाइड करेगा कि यूज़र लॉगिन है या नहीं है, यूज़र ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं है। सो मैं इसके अंदर एक लॉगिन का पेज ऐड कर लेता हूँ, एक होम का पेज ऐड कर लेता हूँ। कैसे करेंगे, राइट क्लिक करें आप यहाँ पे जाएँ ऐड में, और यहाँ पे आप न्यू एचटीएमएल ऐड न्यू आइटम कर लें यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से आप एचटीएमएल पेज ऐड कर लें लॉगिन का, ठीक है जी, लॉगिन डॉट एचटीएमएल। इसी तरह आप यहाँ पे अपने पास पेज ऐड कर लें जो आपका है होम का, और उसके बाद एक जेक्यूरी की फाइल ऐड कर लेते हैं, और जेक्यूरी की फाइल आप प्लेस करें, और प्लेस करने के बाद यहाँ से रिफ्रेश कर लेते हैं। अच्छा, मैंने फाइलें प्लेस कर दी हैं, अब मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ वेबसाइट को, तो फाइलें जो मैंने पीछे फोल्डर में प्लेस की हैं वो यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद लॉगिन फाइल। लॉगिन के अंदर हमने अभी सिर्फ एचटीएमएल लिखी है कि आप लॉगिन के अंदर एक सिंपल टेक्स्ट बॉक्स है और एक पासवर्ड है, एक लॉगिन का बटन है, यहाँ पे जेक्यूरी की फाइल को रेफर कर दिया है, और यहाँ पे हम अपना कोड लिख रहे हैं बिकॉज प्योर एचटीएमएल फाइल है, कोई इसमें सर्वर साइड की चीज़ नहीं है, कोई एएसपी डॉट एमवीसी की चीज़ नहीं है। यहाँ पे अब हमने वही काम करना है जो कि हम पहले करते रहे, तो जस्ट मैं क्विकली आपको रिपीट कर दूँ पहले हम क्या काम कर रहे थे। सो मैं इसको सेट स्टार्टअप करता हूँ, इसको यहाँ से अगर रन करूँ सिंपल अपनी एपीआई को, तो हमारी एपीआई जो है वो ब्राउज़र में रन होना शुरू हो जाएगी, ठीक है जी, रन हो गई है। अब मैं इसको पोस्टमैन के अंदर जाके इसे कोऑर्डिनेट कर सकता हूँ। सो आप नोट करें कि हमारे पास जो एपीआई है उसका जो यूआरएल है 29650 वाली है, तो इसके लिए मैंने ये कोड लिखा हुआ है। कैसे टोकन जनरेट करते हैं, हम पोस्ट की रिक्वेस्ट करते हैं, बॉडी के अंदर ये तीन पैरामीटर भेजते हैं, ग्रांट टाइप, यूज़र नेम, पासवर्ड जो भी होता है वो भेजते हैं जो वैलिड यूज़र होगा आगे, और आपको टोकन मिल जाता है। चला के देखते हैं इसको, ये मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो आपको ये एक्सेस टोकन मिल गया है जिसको हम फिर बाद में इस्तेमाल करते हैं कंज्यूमर करते वक्त, और जो भी आपका मेथड होगा एपीआई का उसके ऊपर आप कॉल करेंगे, और एक एक्स्ट्रा हेडर पास करेंगे ऑथराइजेशन का जिसमें आप बेरियर टोकन बेरियर का वर्ड लिख के वो टोकन पास करेंगे। सेंड करता हूँ तो ये देखें 10 का रिजल्ट आ गया, और अगर ये गलत होगा तो आपको यहाँ पे इनवैलिड का एरर आ जाएगा। अब यही अप्रोच जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इसको हमने कोडिंग में करना है, तो हम कोडिंग में चलते हैं और अप्लाई करते हैं।
सो कोडिंग में हमने क्या किया कि हमने एजेक्स कॉल करनी है, वही जो एजेक्स क्राइटेरिया होता है आपके पास, कि टाइप बताएंगे पोस्ट है, जेसोन है, यूआरएल क्या होगा आपका, वो जो हमने अभी दिया था पोस्ट उसके अंदर, और डाटा टू सेंड में आपने वो पैरामीटर तीन भेजने हैं, यूज़र नेम पासवर्ड और ग्रांट टाइप। यूज़र नेम पासवर्ड यूज़र टाइप करेगा और ये ग्रांट टाइप पासवर्ड देंगे। जो रिस्पॉन्स आएगा वो हमारे पास, जो भी रिजल्ट आएगा उसके अंदर आपके पास डॉट एक्सेस अंडरस्कोर टोकन की कन्फिग्रेशन होती है, आप ये देखें प्रॉपर्टी होती है एक्सेस अंडरस्कोर टोकन की। इसके अलावा और प्रॉपर्टीज भी रिटर्न करवा सकते हैं, ये इनको भी स्टोर कर सकते हैं अपने पास। अभी हम एक ही प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, वो हमारे पास है ये वाली, इसको हमने अब कहीं लोकल स्टोर करना है ताकि हम आगे इस्तेमाल कर सकें। तो अभी मैं सेशन स्टोरेज में इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप लोकल स्टोरेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेशन स्टोरेज टैब तक होती है, जो ही आप अपनी टैब बंद करेंगे या ब्राउज़र बंद करेंगे ख़त्म हो जाएगी, जबकि लोकल स्टोरेज जो है वो ब्राउज़र बंद होने से बंद नहीं होती। सो हम यहाँ पे सेशन स्टोरेज में रख रहे हैं, और हमारा जो भी मेन फोकस है वो सिंगल पेज एप्लीकेशन का, जिसमें आपकी एक एप्लीकेशन ओपन हो और उसी टैब के अंदर, या आप विदाउट लोडिंग पेज आप अपने व्यूज़ रेंडर कर रहे होते हैं और अपना डाटा एपीआई से ला के अपने पेजेस को, अपने डाटा को रेंडर कर रहे होते हैं पेज के ऊपर, जिसे हम सिंगल पेज एप्लीकेशन भी कहते हैं। तो भी हमने ये कहा है कि हम वहाँ से लेके आते हैं एक्सेस टोकन, लेके आते हैं यूज़र नेम को स्किप कर देते हैं, और जब ये सक्सेस हो गया इट मीन्स के वैलिड था, तो आपने कहा कि इसको रिडायरेक्ट करवा देते हैं जावास्क्रिप्ट में होम के ऊपर, और ये हमारा बेसिकली लॉगिन की बड़ी सिंपल सी वर्किंग है। अब अगर मैं जाऊँ दूसरी एप्लीकेशन जो हमारे पास होम है, तो हमें हमने ये कहा है कि जी आपके पास जो एक्सेस टोकन है वो सेशन स्टोरी से आप, ये फंक्शन है गेट आइटम का, सेट आइटम का, इसके ज़रिए आप की और वैल्यू दे के सेट करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे सेट किया है की और वैल्यू दे के, और यहाँ पे हम इसको गेट कर रहे हैं, तो ये इसको हम स्किप कर देते हैं। यहाँ आपने कहा है कि अगर एक्सेस टोकन में नाली अनडिफाइंड पड़ा हुआ है तो सिंपली आप लॉगिन पे ले जाएँ। उसके बाद आपने एक बटन लगाया इस पेज पर, और आपने इस बटन पे अपनी एपीआई कॉल करनी है। तो जो हम सेकंड काम कर रहे हैं पोस्टमैन के अंदर, ये वाला काम कि कंज्यूम कैसे करना है अपनी एपीआई को टोकन के साथ, उसके लिए हमने गेन एजेक्स के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। हमने कहा टाइप गेट की है, डाटा टाइप जेसॉन है, हेडर में अब अपने एक नया एक वाला एट्रीब्यूट है हेडर्स का, उसके अंदर अपने एक ऑब्जेक्ट देना है, और उसके अंदर अपने ऑथराइजेशन का एक हेडर जिसका नाम है वही फॉर्मेट बेरर का स्पेस, और अपने जो भी हमारे पास टोकन था उसको कनकेट कर दिया है। यूआरएल जिसको आपने हिट करनी है वो दे दिया, डाटा टू सेंड इस दफ़ा खाली ऑब्जेक्ट जाएगा, और सक्सेस में अगर वहाँ से रिजल्ट आएगा तो इधर हम आ जाएंगे, वरना आप एरर में एरर डिस्प्ले करते हैं। तो बड़ी सिंपल सी लॉजिक है। अब हमें चूंकि ये एक डिफरेंट वेबसाइट है, इसकी अपनी एक है हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको रन करेंगे और ये बिल्कुल एक डिफरेंट है, तो दोनों को हमने सेट करना है, वो हम कैसे करेंगे जी? मैं यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ प्रॉपर्टीज़ में जाके मल्टीपल प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देता हूँ, कहता हूँ दोनों स्टार्ट हो जाएँ, ये हमारे पास स्टार्ट हो जाते हैं दोनों। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट, ये हमारे पास चलना शुरू हो गया। ठीक है जी, ये हमारे पास एपीआई का है, और ये हमारे पास जो अभी लॉगिन वाला पेज चल गया। अब मैं यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ जो हमारे पास था, एडमिन डॉट याहू डॉट कॉम और एडमिन पासवर्ड था, लॉगिन करता हूँ तो अब हमारे पास यानी ये काम नहीं किया, और अगर आप इसको कंसोल करेंगे तो यू कैन सी दैट कि हमारे पास उसको एरर आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ हमारे पास हो रही है कि अभी हमने इसका बेस पास सही नहीं किया, तो हमारी एपीआई का जो बेस पाथ है वो ये वाला है 26950, तो मुझे अपने लॉगिन के अंदर जाके भी इस वाले यूआरएल को सेट करना है 26950 वाले को, ठीक है, और मुझे अपने होम के अंदर जाके भी इसी को सेट करना है 26950 वाले को भी, ठीक है। अब हम इसको अपने पेज को रिफ़्रेश करते हैं यहाँ से दोबारा, और इधर से क्लियर कर लेते हैं, और यहाँ पर दोबारा एडमिन पास करते हैं, एडमिन एट याहू डॉट कॉम, और यहाँ पर एडमिन पासवर्ड देते हैं, लॉगिन करते हैं, तो हमारे पास अगेन वही एरर आया, नो एक्सेस कंट्रोल अलाउ रीजन हेडर इज़ प्रेजेंट, जो कि पहले भी हम देख चुके हैं। अब चूंकि इस केस में हम अवीन यूज़ कर रहे हैं, तो जो पहले हमने कॉर्ड्स को फिक्स करने के लिए अप्रोच देखी थी, ये अप्रोच थोड़ी डिफरेंट होगी, उस तरह काम नहीं चलेगा। इस केस में हम एक डिफरेंट कॉर्ड्स की एपीआई पैकेज ऐड करेंगे, और बड़ा सिंपल सा काम है, वो हम अब करते हैं कैसे करेंगे। तो अगर आपको कॉर्ड्स की कन्फ्यूजन, तो पिछली वीडियो देखें जो हमने की थी, सिंपल वीडियो नंबर आई थिंक 4 थी, उसको दोबारा रिपीट कर लें। अच्छा, अब हम इसका क्या करना है, हमने एपीआई के अंदर जाके कॉर्ड्स इनेबल करना है, ठीक है, उसके लिए हम एक पैकेज ऐड करेंगे, वो पैकेज बेसिकली हमारा क्या है जिसको हमने ऐड करना है। अब इस केस में आप अपने पास ये पैकेज में ऐड करने लगा हूँ, और अगेन इसको हम ऐड करेंगे कंसोल मैनेजर के ज़रिए, किस में, अपने टेस्ट प्रोजेक्ट में। तो टूल्स में जाके हमारे पास न्यूक्लियर पैकेज मैनेजर, कंसोल मैनेजर, यहाँ पे बेसिकली आप अपने पास पेस्ट कर देता हूँ मैं जो मेरे पास है इंस्टॉल पैकेज माइक्रोसॉफ्ट डॉट अविंद डॉट कोर्स, और मैं ये वाला वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पे देख लें कि आपका प्रोजेक्ट कौन सा सिलेक्टेड है, ओथ टेस्ट सिलेक्टेड है, बिल्कुल ठीक है, इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं।
ठीक है जी, ये हमने कर लिया। दूसरा काम जो कि पहले हमने नहीं किया था और डिफरेंट तरीके से हमने इनेबल किया था कोर्स को, वो हम कैसे करेंगे कि आप अपने एप्लीकेशन में स्टार्टअप फाइल जो थी आपकी, जिसके अंदर आपने स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन की थी, उसमें जो आपकी ये कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पे कर रहे हैं एक कॉन्फ़िगरेशन के मेथड में, यहाँ पर आके आप ये वाली एक लाइन ऐड करेंगे जिसके ज़रिए आपके पास जो कोर्स इनेबल होगा। ठीक है, ये दो काम करने हैं आपने, पैकेज ऐड करना है और ये लाइन ऐड करनी है। नाउ आपकी जो API है वो अविन के साथ भी कोर्स के लिए रेडी हो गई है। तो भी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे कि खास साइट्स किस तरह इनेबल करनी हो एंड सो ऑन, सिंपल हम इसको चला लेके चलते हैं। अब मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ टेस्टिंग के लिए। ठीक है जी, ये हमारी एप्लीकेशन आ गई, ये हमारे पास दूसरी आ गई। सो ये हमारे पास वो है और ये हमारे पास लॉगिन वाला जो है पेज, लॉगिन चलाते हैं। अब मैं इसको ज़रा कंसोल ओपन कर लेता हूँ, कंसोल में आ जाते हैं और यहाँ पे हम इसको क्रेडेंशियल प्रोवाइड करते हैं। ये लॉगिन है और ये पासवर्ड है, यहाँ से मैं इसको लॉगिन करता हूँ। तो यू कैन सी दैट कि एक हिट गई है, उधर से ये डाटा भी आया है और डाटा को मैंने वहाँ पे कंसोल डॉट लॉग किया हुआ था। इस कंसोल डॉट लॉगिंग की वजह से आपने जो लॉगिन के अंदर कंसोल डॉट लॉग किया हुआ था वो आपको कंटेंट भी नज़र आ रहा है कि वहाँ से क्या चीज़ रिटर्न हुई है, बिल्कुल वही चीज़ जो कि हमें मिली थी पोस्टमैन के अंदर भी। उसमें एक्सेस टोकन था, एक्सपायर्स वगैरह डिटेल थी, हमने उसको किया और देखा वो होम पे आ गए हैं। ठीक है, और होम पे अब अगर मैं गेट डाटा कॉल करूँगा, मेरे पास अलर्ट के अंदर मुझे डाटा नज़र आना चाहिए 10। तो इस केस में भी आप नोट करें क्या हुआ होगा, आपने इसकी लॉजिक लिखी हुई है होम के ऊपर कि जब मैं बटन पे क्लिक करता हूँ तो आप उसी सेशन स्टोरेज में से, हमने जो एक अपना एक्सेस टोकन सेव किया हुआ है उधर से आप ये अपने पास कर रहे हैं। जो आप नॉर्मल डेवलपमेंट भी कर रहे होते हैं ASP.NET MVC वगैरह की, जिसमें सेशन इन्वॉल्व होता है सर्वर साइड का, उसमें भी एक सेशन आईडी जनरेट होता है जो क्लाइंट पे ट्रैवल करता है कुकी के थ्रू और फिर क्लाइंट से सर्वर पे जाता है। तो ये बिल्कुल उस तरह की चीज़ ही है, लेकिन इस केस में ये सेशन आपका क्लाइंट पे सेव और आप अपनी रिक्वेस्ट के साथ इसको चेंज करेंगे। इसको और उसमें क्या फ़र्क है इसको फिर कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये सेशन की एक्सपायरी डेट होती है, एक्सपायरी टाइम होता है, इसको एक्सपायर करके दोबारा जनरेट करते रहते हैं सिक्योरिटी रीजन की वजह से। उसको भी हम डिस्कस कभी लेटर बाद में करेंगे, लेकिन बेसिक आइडिया जो आपको समझाने का था वो ये था कि चूंकि आपने अपनी एप्लीकेशन में टोकन लेना है तो पहले आपको क्रेडेंशियल देने पड़ेंगे। वो क्रेडेंशियल आप अगर आपको ये लग रहा है कि कहीं हार्ड कोड करने पड़ रहे होंगे तो फिर आप जावास्क्रिप्ट में कभी इस तरह हार्ड कोडिंग नहीं करेंगे, लेकिन अगर यूज़र एंटर कर रहा है देन इट्स फाइन, आप यूज़र से लेके पास करें और टोकन ले लें और टोकन को फिर इस्तेमाल करें अपने नेक्स्ट कॉल्स के लिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपको ये क्रेडेंशियल्स आपके यूज़र्स को नहीं डालने चाहिए और ये कहीं एक दफ़ा ही डलेंगे और बाद में पूरी एप्लीकेशन लोग इस्तेमाल करते रहेंगे डिफरेंट लोग आके और ये क्रेडेंशियल्स डालें, तो फिर उसको कभी आप अपने पेज में हार्ड कोड नहीं करेंगे, यहाँ पे हार्ड कोडिंग नहीं करेंगे। इसका फिर हम सेकंड नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि वो कैसे आप सर्वर साइड पे इस्तेमाल करते हुए टोकन जनरेट करेंगे, ना कि क्लाइंट साइड टोकन जनरेट करेंगे। आई होप सो ये बेसिक छोटी सी एग्जांपल समझ आई होगी कि टोकन को कैसे आपने जनरेट करना, कैसे इस्तेमाल करना है, इसको आप बड़ी एप्लीकेशन पर मैप कर सकते हैं। थैंक यू।